9 न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ नेहा परिहार। आज हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट एक जाना माना नाम बन चुके हैं। सचिन पायलट ने राजनीति में अपना नाम काफी बुलंद कर लिया है। सचिन पायलट और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच कुछ समय पहले ही कुछ मतभेद देखने को मिले थे, जिसके बाद ही सचिन पायलट को राज्य सरकार ने उप मुख्यमंत्री के पद के साथ ही कांग्रेस ने प्रदेशाध्यक्ष पद से भी हटा दिया था। राजस्थान से सचिन पायलट को अध्यक्ष के पद से हटाने के बाद गोविंद सिंह डोटासरा को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। सचिन पायलट राजनीति का जाना माना चेहरा है। सचिन पायलट से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं, जैसे सचिन पायलट कौन है, सचिन पायलट का राजनीतिक सफर क्या है, सचिन पायलट की पत्नी का नाम क्या है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं विस्तार से कौन है सचिन पायलट। सचिन पायलट को लेफ्टिनेंट सचिन पायलट के नाम से भी जाना जाता है। सचिन पायलट का जन्म 7 सितंबर 1977 को हुआ था। वे राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। इसके साथ ही सचिन पायलट 15वीं लोकसभा के मंत्रिमंडल में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी रहे हैं, जबकि फिलहाल सचिन पायलट राजस्थान के टोंक विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में कार्यरत है। और सचिन पायलट साल 2014 से लेकर 14 जुलाई 2020 तक राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पद पर भी रहे हैं। 14 जुलाई को ही उन्हें इस पद से हटाया गया था। दूसरा सवाल, सचिन पायलट का राजनीतिक जीवन क्या रहा। सचिन पायलट ने राजनीति में कदम रखा साल 2004 में। इस दौरान सचिन ने दौसा क्षेत्र में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा। इस चुनाव ने जीत हासिल करने के बाद से ही सचिन पायलट के चर्चे शुरू हो गए। चुनाव में जीत होने के साथ ही सचिन पायलट देश के सबसे युवा लोकसभा सदस्य भी बन गए थे, जिसके बाद उन्होंने साल 2009 के लोकसभा चुनाव में फिर से हिस्सा लिया। इस दौरान सचिन पायलट ने भारतीय जनता पार्टी के किरण माहेश्वरी को 76,000 वोट से करारी मात दी थी। साल 2012 में सचिन ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री का पद संभाला था। इसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर देखने को मिली। इसके चलते ही सचिन पायलट को साल 2014 में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसे पश्चात उन्होंने राजस्थान कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष पद पर रहते हुए साल 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने टोंक क्षेत्र से चुनाव को अपने नाम किया, जिसके बाद साल 2018 में ही 17 दिसंबर को उन्हें राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। साल बात करें 2020 में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच कुछ मतभेद देखने को मिले, जिसके कारण उन्हें 14 जुलाई 2020 को उप मुख्यमंत्री के पद के साथ ही राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया था। अब बात करते हैं सचिन पायलट की कुछ खास बातों पर। सचिन पायलट को एक दमदार नेता माना जाता है। उनके दबदबे को इस बात से भी देखा जा सकता है कि यह कहा जाता है कि सचिन पायलट के कारण ही अशोक गहलोत की सरकार पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2018 के दौरान राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए काफी काम किया और काफी अहम किरदार भी निभाया था। सचिन पायलट के काफी काम करने के बावजूद भी कांग्रेस के द्वारा राजस्थान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया। सचिन पायलट के समर्थकों ने भी कांग्रेस के इस कदम को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। इसे देखते हुए कांग्रेस के द्वारा सचिन को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन इसके बाद भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद खत्म नहीं हुए और मनमुटाव बढ़ते ही गए, जो अभी तक चल भी रहे हैं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट की बातों को नजरअंदाज किया, तो वहीं सचिन ने भी कई बार अपने ही सरकार को घेरना शुरू किया। सचिन पायलट की वाइफ का नाम सारा पायलट है। सचिन और सारा की शादी 15 जनवरी 2004 को हुई थी। सचिन पायलट ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा अब्दुल्ला से शादी की थी। इस कपल के दो बेटे भी हैं। दरअसल सचिन पायलट 6 सितंबर 2012 को भारत की प्रादेशिक सेना में अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए थे। इसके साथ ही वे ऐसे पहले केंद्रीय मंत्री भी बने थे। इस कारण ही उन्हें लेफ्टिनेंट पायलट के नाम से भी जाना जाता है। सचिन के पिता राजेश पायलट और सारा के पिता फारूक अब्दुल्ला अच्छे राजनीतिक दोस्त थे।
एक शादी समारोह के दौरान ही सचिन और सारा की मुलाकात हुई थी और दोनों ने एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर दिया था। इसके बाद दोनों की मुलाकात हुई अमेरिका में पढ़ाई के दौरान। यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस में दोनों का मिलना शुरू हुआ और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील होने लगी। लेकिन पढ़ाई के बाद सचिन भारत लौट आए और सारा वहीं रही। दोनों का प्यार फोन, ईमेल और मैसेजेस पर बढ़ने लगा। कई साल प्यार में रहने के बाद 15 जनवरी 2004 में एक सिंपल समारोह में दोनों की शादी हुई थी। हालांकि इस शादी में सारा के पिता फारूक अब्दुल्ला और भाई उमर अब्दुल्ला दोनों ही नहीं आए थे। सचिन और सारा की शादी को कई साल हो चुके हैं और अपनी लाइफ खुशी खुशी जी रहे हैं। दोनों के बच्चों के नाम आरन और विहान हैं। और अगर बात करें सचिन पायलट के अभी के काम काज को लेकर, तो सचिन पायलट इस बार अशोक गहलोत को पूरी तरीके से टक्कर देने की तैयारी में जुटे हुए हैं। अब देखना होगा क्या इस बार सचिन पायलट गहलोत की कुर्सी को हिला पाते हैं या नहीं। ऐसी और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। और आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।